हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बजाज CT100 का गियर्स को कैसे असेंबल करते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये जो इंजन है बजाज का, इस इंजन को बजाज ने बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में यूज़ किया है। सबसे पहले ये बजाज फॉरेस्ट चैम्पियन में आया था, फिर बॉक्सर में आया था, फिर कैलिबर, एस्पायर, उसके बाद प्लैटिना, डिस्कवर, CT100, बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में ये इंजन यूज हुआ है। और ये इंजन बहुत ही इफिशेंट है, बहुत ही अच्छा ये इंजन है। और इस इंजन का एक बहुत ही खास बात है कि अगर आप इसको आंख बंद करके भी असेंबल करेंगे फिर भी ये परफेक्टली फिट होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। बहुत ही सिंपल इंजन है, बहुत ही इफिशियंट इंजन है। और आपको गियर्स देखने में शुरू में बहुत अजीब लगेगा कि इसे कैसे असेंबल करना है, कौन सा पार्ट किधर लगेगा, बट एक बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप आंख बंद करके इसे असेंबल कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ सारे गियर्स को, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको आप कैसे असेंबल कर सकते हैं। सारे गियर्स को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ आराम से, और उसके बाद इसे हम लोग असेंबल करेंगे फिर से। और एक बार अगर आप समझ लिए तो कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। बहुत ही सिंपल ये इंजन है, ये देखिए ये बाहर आ गया, अब इसे हम लोग असेंबल करेंगे। तो दोस्तों, इसमें दो शाफ्ट होता है, एक होता है आपका इनपुट शाफ्ट, ये है आपका इनपुट शाफ्ट जिसमें कि क्लच सिस्टम अटैच रहता है, ये है आपका इनपुट शाफ्ट, और ये है आपका आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट में ही ये जो चेन वाला स्प्रॉकेट रहता है ये इस तरह से अटैच होता है यहाँ पे, और इसी से आपका व्हील ड्राइव होता है। तो ये है आपका आउटपुट शाफ्ट। तो दोस्तों, इनपुट शाफ्ट में ये एक गियर इसमें लगा रहता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सरक्लिप से ये फिट रहता है यहाँ पे। तो जब तक इस गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो इसको आपको बाहर नहीं निकालना है नेसेसरी। अगर सपोज इस गियर में कोई प्रॉब्लम आ गया तभी इस गियर को आपको बाहर निकालना चाहिए, अदरवाइज आप यहीं से इसको क्लीन करना चाहते हैं तो आप क्लीन कर दीजिए, अननेसेसरी इसको बाहर निकालने का कोई जरूरत नहीं है। और सपोज अगर आप इसे बाहर निकालते हैं तो उसी सरक्लिप के हेल्प से आप इसे अंदर फिट कर सकते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो टिथ वाला पोर्शन है, ये जो ट्रेपीजियम वाला टिथ है, ये अपर साइड में रहेगा इस साइड में। तो ये हमारा एक कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। और ये है हमारा आउटपुट शाफ्ट। तो ये देखिए, ये जो पोर्शन है जो कि रोटेट हो रहा है, ये देखिए ये जो पोर्शन है ये एक यूनिट है, और इसमें भी एक गियर एक्स्ट्रा लगा रहता है, और ये भी यहाँ पे सरक्लिप के हेल्प से यहाँ पे फिट रहता है। तो इसमें भी अगर इसके टिथ में कोई डैमेज आपको नहीं दिख रहा है या यहाँ पे कोई डैमेज आपको नहीं दिख रहा है तो इसको अननेसेसरी आपको बाहर नहीं निकालना है। कुछ प्रॉब्लम हो तभी इसे बाहर निकालिए और फिर इसे सरक्लिप के हेल्प से यहीं पे फिट कर दीजिए। तो दोनों शाफ्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गियर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे गियर्स हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो शेप है ये है आपका ट्रेपीजियम शेप, ये देखिए ट्रेपीजियम टाइप का आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये आप देखेंगे तो ये है आपका ट्रेपीजियम शेप, ठीक है। उसके बाद ये जो गियर्स आप देखेंगे तो ये देखिए ये सर्कुलर है, यहाँ पे सर्कुलर है और यहाँ भी सर्कुलर है, यहाँ भी सर्कुलर है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखिए इसमें भी सेम टाइप का आपको शेप मिलेगा आउटपुट शाफ्ट में, सर्कुलर टाइप का। तो ये हमारा जो गियर्स है सर्कुलर टाइप का, इसमें शेप बना है, ये एक साइड आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये है ट्रेपीजियम शेप वाला, तो इसमें ये गियर्स आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये हम लोग एक साइड कर लेंगे और ये हम लोग एक साइड कर लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इनपुट शाफ्ट को कैसे असेंबल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये वाला गियर लेना है
और इसे गियर डॉग बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये है, इसमें कॉलर बना रहता है तो इसे गियर डॉग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो साइड है, यहाँ पे आपको सिक्स ट्रैपिजियम दिख रहा होगा, यहाँ पे सिक्स ट्रैपिजियम है और यहाँ पे थ्री ट्रैपिजियम है। तो आपको क्या करना है, सिक्स वाले साइड को आपको इधर डालना है। अब देख लीजिए ये फिट हो गया। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऐसे डालें कि ऐसे डालें, तो जो सिक्स वाला साइड है वो इधर आएगा बहुत ही आराम से। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ट्रैपीजियम इस साइड है और ट्रैपीजियम इस साइड है। तो ये हम लोग इस तरह से असेंबल करेंगे, इस तरह से। तो ये इस तरह से सेट होगा। और एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा वाशर है लास्ट में, ये हम लोग इस तरह से फिट कर देंगे। तो ये हमारा इनपुट शाफ्ट असेंबल हो गया है। इसमें बस एक ही आपको ध्यान देना है कि जो सिक्स साइड वाला है वो इस साइड आएगा, ठीक है। बस एक ही चीज में ध्यान देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये हमारा असेंबल हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग आउटपुट शाफ्ट में। तो यहां तक तो हमारा सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखिए हमारा ये जो गियर डॉग है ये हम लोग फिट करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको इसे ऐसे फिट करना है, ठीक है। ये जो छोटा वाला, ये जो सर्कल आप देखेंगे तो ये आपको छोटा दिखेगा, और ये जो है कंपेयर करेंगे इसको और इसको तो ये आपको छोटा दिखेगा। तो ये छोटा छोटा के साइड में आएगा इस तरह से, और यहाँ पे अगर ये आप सर्कल देखेंगे तो ये आपको बड़ा दिख रहा है कंपेयर टू दिस वन। तो ये इस साइड आएगा, ठीक है। तो इसको आपको छोटा वाला साइड को इस साइड असेंबल करना है, देखिए। और आपको चेक कर लेना है, देखिए ये इंगेज हो रहा है, बट वही अगर बाय मिस्टेक आप इसको ऐसे असेंबल कर देते तो ये इंगेज नहीं होता, ये देखिए मूव हो रहा है। बट अगर आप सही इंस्टॉल करेंगे इस तरह से तो ये देखिए परफेक्ट मैच कर रहा है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे इस गियर को असेंबल कर दीजिए, और यहाँ पे एक बुश रहता है, इस बुश को असेंबल कर दीजिए। आपका आउटपुट शाफ्ट भी रेडी हो गया बिना किसी टेंशन के। इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट आपका असेंबल हो गया। उसके बाद आते हैं शिफ्टिंग फॉर्क पे। तो ये दोनों फॉर्क आपको सिमिलर दिख रहा होगा, बट दोनों के साइज में डिफरेंस होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो जो छोटा वाला है वो आपका इनपुट शाफ्ट में यहाँ पे कनेक्ट होता है। अगर आप इसको आउटपुट शाफ्ट में कनेक्ट करने जाएंगे तो ये अंदर इंसर्ट ही नहीं होगा कम्प्लीटली, और अगर आप यहाँ पे बड़ा वाला लगाएंगे तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ढीला है, आपको पता चल जाएगा कि आप गलत लगा रहे हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें ढीला है, और ये छोटा वाला आपका लगेगा आपका इनपुट शाफ्ट में और बड़ा लगेगा आउटपुट शाफ्ट में, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इस दो पिन पे। तो ये जो पिन है ऐसे लगता है और ऐसे लगता है, और ये जो दोनों पिन है दोनों सिमेट्रिकल है। आप इसे इसके बदले यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ऐसे लगाइए या ऐसे लगाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो दोनों पिन है एक ही सेप साइज का है, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद ये है आपका गियर कैम, और इसमें दो स्लॉट है, ये देखिए दो स्लॉट है आपका, दो स्लॉट आपका बना हुआ है। तो दोनों स्लॉट में ये इस तरह से फिट होगा, एक यहाँ फिट होगा एक यहाँ फिट होगा। जब मैं फिट करूँगा तब आपको समझ में आएगा, ये इस तरह से इस स्लॉट में फिट होगा। तो आइए इसे असेंबल करते हैं, आपको कंप्लीट डिटेल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इस गियर्स को चैम्बर पे असेंबल करेंगे।
तो आप दोनों में से कोई भी चैम्बर पे इसे असेंबल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड इजली आप कर सकते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ मैग्नेट साइड वाले चैम्बर में इसे असेंबल कर रहा हूँ, जो बड़ा वाला चैम्बर है उसमें मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि ये जो बड़ा सा गियर कैम है या शिफ्टिंग ड्रम इसे बोलते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे असेंबल कर लेंगे। और इसमें कोई भी वाशर कुछ भी टेंशन आपका नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे ये असेंबल हो गया बहुत ही प्यार से, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हम लोग लेते हैं आउटपुट शाफ्ट, इसे हमने ऑलरेडी असेंबल किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे कि ये जो बड़ा वाला गियर है इसे हम लोग हटा लेंगे बाहर, और ये जो बुश है इसे भी हटा लेंगे। और उसके बाद ये जो इसका शिफ्टिंग फॉर्क है यहाँ पे लगा लेंगे, और इसे यहाँ पे हम लोग असेंबल कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे असेंबल कर रहा हूँ बहुत ही प्यार से, और इस शिफ्टिंग फॉर्क को आपको ध्यान देना है। ये देखिए ये ऊपर आकर के यहाँ पे लग गया, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए आपको इस बात का ध्यान देना है, ये देखिए यहाँ पे ये आकर के इस स्लॉट में, ये देखिए स्लॉट में यहाँ पे ये फिक्स हो गया। और जैसे ही ये फिक्स होगा तो दोनों में से कोई भी एक पिन हम लोग लेंगे और इससे हम लोग सिक्योर कर देंगे। नीचे इस तरह का बना हुआ है स्पॉट, उधर भी उसी में ये जो पिन है ये आपका अंदर चला जाएगा। ये देखिए अंदर चला गया, सिक्योर हो गया, परफेक्ट हो गया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं आउटपुट शाफ्ट में। तो आउटपुट शाफ्ट को हमें कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ये देखिए इस वाशर का आपको ध्यान देना है, लगाते समय भी इसका ध्यान देना है, ये बाहर नहीं आना चाहिए। इसे इस तरह से होल्ड करना है, कंप्लीट असेंबली है। और यहाँ पे ये जो शिफ्टिंग फॉर्क है ये भी हम लोग अटैच कर देंगे। और ये देखिए दो स्लॉट था तो एक स्लॉट में ऑलरेडी एक फॉर्क लग चुका है, तो इस बार जो ये वाला फॉर्क रहेगा वो यहाँ वाले इस वाले स्लॉट में नीचे आएगा। तो इसे हम लोग बहुत ही प्यार से आराम से इसे हम लोग फिट कर देंगे अपने जगह पे। ये देखिए इसको आपको बहुत ही प्यार से फिट करना है, और वाशर का आपको ध्यान देना है। ये देखिए अपने जगह पे आ गया, और ये देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसको अपने स्लॉट में आपको फिट करना है। ये देखिए इसको आपको इसके स्लॉट में फिट करना है। ये देखिए ये अपने स्लॉट में आ गया, ये देखिए आपको ध्यान से देखना है, ये जो फॉर्क था ये अपने स्लॉट में आ गया है। और जैसे ही ये स्लॉट में आएगा इसका जो पिन है हम लोग ऐसे लगा देंगे, ये आपका सिक्योर हो गया कंप्लीटली परफेक्ट। और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम रह गया है, इस गियर को हमें फिट करना है। तो अगर आप इस तरह से फिट करना चाहेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप इसे फिट नहीं कर पाएंगे। आपको इसको ऐसे मूव करना है, ये देखिए ऐसे लेके जाना है, और इसको प्यार से आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, ये अपने जगह पे आ जाएगा। बट ये अभी इस तरह से मूव कर रहा है, तो ये जो हमारा बुश था यहाँ पे हम लोग ये फिट कर देंगे, ये परफेक्टली हो गया, और हमारा गियर बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया। तो इस तरह से बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से आप इसके गियर्स को असेंबल कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, बजाज के बहुत सारे मोटरसाइकिल्स में ये गियर सिस्टम यूज हुआ है, ये इंजन यूज हुआ है। तो एक बार आप समझ गए तो सारा मोटरसाइकिल का आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टाइम आप भी अगर बजाज के इस वाले इंजन में अगर गियर असेंबल करना चाहेंगे तो बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। और इसका अगर नॉलेज आपको हो गया तो बाकी भी और मोटरसाइकिल्स में आप कर सकते हैं, बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं, बेसिक सिस्टम सबका सेम होता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल सब्सक्राइब किया, और साथ में उस बेल आइकॉन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।